नाउन जो वर्ड है ना, सबसे पहले इसे इंग्लिश में कहते हैं नाउन, और हिंदी में कहते हैं इसे क्या, संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा। आप संज्ञा की परिभाषा आप कैसे याद करते हो? संज्ञा की परिभाषा कोई बताएगा कैसे याद करते हो? जैसे कि मान लीजिए आपने किसी भी वस्तु को देखा। वस्तु में कितनी प्रकार की होती है? वस्तुएं होती है दो प्रकार की, है ना। कोई भी जो थिंग्स होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है लिविंग और एक होती है नॉन लिविंग। क्या होती है? नॉन देखो, एक होती है सजीव, लिविंग थिंग्स मतलब सजीव वस्तुएं, और नॉन लिविंग थिंग्स मतलब क्या होता है? लिविंग निर्जीव। निर्जीव का मतलब क्या होता है? है? तो भाई वस्तुएं ऐसी बहुत सारी होती हैं जिनमें जान नहीं होती, है ना। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं, आप जिस पे बैठे हुए हो कुर्सी, वही वस्तुएं लो जिनको आप देख रहे हो। बहुत ध्यान से सुनना, ये चीजें आप बहुत बारीकी से बताई जाएंगी, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आते हैं ना तो आप समझ नहीं पाते हो। और क्वेश्चन कैसे आता है मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जैसे कि क्वेश्चन आ गया कि आई हैव ए चेयर, आई हैव ए चेयर, मैंने एक वर्ड लिख दिया तब आपको समझ में आएगा। तो पहले हमें पढ़ना कैसे है तभी आप समझ पाओगे कि हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है ऐसा। अच्छा एक बात बताओ, इसमें सबको पता है कि नाउन है ना, और नाउन क्या है? चेयर है। कैसे पता चल गया? कोई भाई चेयर जो है एक वस्तु है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ रहे है कौन सी वस्तु है, लिविंग है कि नॉन लिविंग है, तो ये फिलअप करने के लिए जाता है कि आई हैव ए चेयर, ठीक है ना। आई हैव ए चेयर बिकॉज, बिकॉज क्या लिखा रहेगा? बी सी ए यू एस डी, बिकॉज इट इज ए ऑब्जेक्ट, इट इज ए थिंग्स, ठीक है ना। तो इतना तो आप भर लोगे आराम से, लेकिन उससे ज्यादा तुम्हें जानने की जरूरत है भाई। आपको आगे जानोगे तो पता चलेगा, है ना। तो निर्जीव वस्तुओं में दो चार नाम और बताओ जरा। कुर्सी तो हो गई, पंखा, पेन, है, पेन हो गया, बुक, पंखा, किताब हो गई, पंखा हो गया। अच्छा इन सब में जीव होता है? नहीं होता है, लेकिन इन्हें हम कहते हैं निर्जीव वस्तुएं, और ये हमारे नाउन होते हैं। क्या होते हैं? नाउन। तो नाउन ये भी हो गए, और सजीव वस्तुओं के नाम बताओ भाई, जो सजीव होते हैं जिनमें जीव होता है। एनिमल, एनिमल, ह्यूमन, प्लांट, बर्ड्स, देखो एनिमल हो गया, बर्ड्स, प्लांट हो गए, और ह्यूमंस हो गए, है ना। एनी बर्ड्स भी हो गई, चिड़िया जो होती है ना। तो भाई एक बात बताओ, ये हमारे सभी होते हैं लिविंग, मतलब ये भी तो एक तरह की वस्तु है, लेकिन इनमें जीव पाया जाता है। जैसे कि चिड़िया उड़ती है, अब ऐसा तो है नहीं कि चिड़िया में कोई जीव नहीं पाया जाता, पाया जाता है ना। उसी तरह से मनुष्य जानवरों में पाया जाता है। एक दो एनिमल के नाम बताओ भाई। लायन, टाइगर, लायन हो गया, लॉयन, और टाइगर, टाइगर हो गया, कैट हो गई, डॉग, प्लांट में आप बनियान ट्री ले लो। बनियान ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं? बरगद का पेड़। पेड़ आप सबने देखा है ना। यस सर। अगर पेड़ में जीव नहीं होता तो क्या पेड़ पेड़ बड़ा होता? नो सर, नहीं होता ना बड़ा। इससे हमें पता चलता है, देखो शुरू में क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कोई छोटा सा बच्चा है, बहुत छोटा, उसे ये नहीं पता रहता है कि इसमें जीव रहता है कि नहीं रहता, इसीलिए वो कुर्सी से गिरने के बाद रोने लगता है। रोने लगता है ना। और आप कुर्सी से गिरने के बाद रोते हो? क्यों नहीं रोते भी? क्योंकि आपको पता है हमारी गलती होगी तभी तो हम गिरे हैं, उसमें तो जीव ही नहीं है। लेकिन अगर आपको उस कुर्सी की जगह पर कोई जानवर काट ले, या फिर किसी से आपकी लड़ाई हो जाए, तो आप उससे बहस करना शुरू कर देते हो, है ना। लड़ाई करना इसलिए शुरू करते हो क्योंकि आपको पता है उसके अंदर जीव है और उसने गलती की है, तो मैं उससे लड़ाई कर सकता हूँ, रो सकता हूँ, या फिर उसे डांट सकता हूँ। तो यही चीजें होती हैं नाउन। मतलब नाउन क्या होता है? जैसे
जब हमने बहुत सारी चीजों को इकट्ठा कर लिया, चाहे उसमें जीव हो चाहे उसमें जीव ना हो। और एक जगह और होती है भाई प्लेस, प्लेस मतलब क्या होता है, जगह, स्थान या फिर जगह, क्या होता है जगह। तो आप स्थान मान लीजिए, आप दिल्ली में रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो, दिल्ली। कोई बच्चा रह रहा है कोलकाता में, ठीक है, कोई रह रहा है आगरा में, तो ये सभी एक जगह है ना, ये सब एक जगह है ना, तो ये भी एक नाउन होता है। क्या होता है, एक नाउन होता है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जगह हो, कोई भी जानवर हो, कुछ भी हो, वो सब एक नाउन होता है। और अब जब आप नाउन जान लेते हो तो नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। क्या कहते हैं, संज्ञा। देखो संज्ञा आप पढ़ते आ रहे हो, संज्ञा जो है पांच प्रकार की होती है। एक होती है जातिवाचक संज्ञा, एक होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक होती है हमारी पदार्थवाचक संज्ञा, एक होती है भाववाचक संज्ञा, और एक होती है हमारी समूहवाचक संज्ञा, है ना, इसी के बारे में पढ़ते आ रहे हो ना। तो जाति मतलब होता है एक तरह से, जब आप किसी भी कॉमन, जैसे जातियां कई तरह की होती हैं, जातियां जैसे कि मैंने हम पढ़ा रहे हैं तो हमारी टीचर की एक जाति है, है ना, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी उठ के आएगा और पढ़ा देगा तो उसकी जाति कहाँ मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी ना। तो एक कैटेगरी होती है, उसी तरह से पुलिस जो है उसकी एक जाति होती है ना भाई, डॉक्टर की भी एक जाति होती है, आप लोग पढ़ रहे हैं आपकी भी एक जाति होती है, तो इन सभी को कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब एग्जाम्पल की बात करता हूं मैं, तब आपको समझ में आएगा। मैंने बोला कि माय बिग ब्रदर ज्वाइन पुलिस, ठीक है ना, डिपार्टमेंट। मेरा जो बड़ा भाई है उसने पुलिस विभाग को क्या कर लिया, चुन लिया है, अर्थात उसमें जाकर के ज्वाइन हो गया है। तो एक बात बताओ, मैं इसको लिख रहा हूं तब समझ में आएगा, माय बिग ब्रदर ज्वाइन पुलिस डिपार्टमेंट। अब एक बात बताओ, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, आप बताओ मुझे, डिपार्टमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, विभाग। क्या कहते हैं, विभाग। विभाग क्या कहते हैं, विभाग। विभाग। और आप बताओ कि ज्वाइन को क्या कहते हैं, जुड़ना। क्या कहते हैं, जुड़ना। और ब्रदर को क्या कहते हैं, भाई। ये तो सबको पता ही होगा, है ना। तो इसमें मुझे आप ये बताओ, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।